राजेश कुमार यूपीपीसीएस के 15 मेंस 4 इंटरव्यू दे चुके हैं। उनके पास अब महज 2 अटेम्प्ट बचे हैं। जब वो अपने गांव से निकले थे तब माँ बाप से वादा किया था, उन्हें भरोसा दिलाया था अफसर बनने का, लेकिन साल हर नए साल की आखिरी तारीख के साथ कई बार पीछे छूटा है। इस बार सपने को झाड़ पहुँच कर बिल्कुल नया ताज़ा कर लिया गया था। आंखों में एक चमक थी लेकिन पेपर लीक हो गया। ये खबर आरोपों की शक्ल में सामने आई। आज तक के सहयोगी आनंद राज ने राजेश से बात की, आप सुनिए उन्हें। वैसे मैं बता दूं कि मैं लोक सेवा आयोग का करीब 15-20 मेंस दे चुका हूं, 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूं। ये आयोग की गड़बड़ी ये पहली बार नहीं हो रही। 2015 में पीसीएस का पेपर आउट हुआ था, 2016 में हम लोग कानपुर थे, आरओ का पेपर आउट हुआ था, 2017 में मेंस दे रहा था राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में, वहाँ मेरी सीट पे मैं ही पहले हल्ला मचाया था, पेपर आउट हुआ था। और 2018 में मेंस का एक महीने पहले पेपर आउट किया, जो अंजू कटियार का मामला था, और ये 5वीं बार आउट हुआ है। तो ये लोक सेवा आयोग से हम लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है और यहाँ लगातार गड़बड़ी पे गड़बड़ी हो रही है। राजेश आजमगढ़ से बीते कुछ साल पहले प्रयागराज पहुंचे थे, सोचा था जमकर तैयारी करेंगे, अफसर बनकर गाँव में लौटेंगे। कई साल ऐसे ही बीत गए लेकिन तैयारी का दौर अभी भी जारी है। इस बीच राजेश की शादी भी हो गई। वो कहते हैं अब तो खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, कभी कोचिंग पढ़ा लेते हैं तो कभी किसी दोस्त से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो हालांकि मैंने अपने खर्चे चलाने के लिए अभी पुलिस की कोचिंग थी तो मैंने पढ़ाया जो है एक कोचिंग में, एक बार लेखपाल वाले में भी हमने ऐसे पढ़ाया था एक आध महीने के लिए, मतलब परमानेंट नहीं, कुछ टाइम पास के लिए। किस तरह खर्चे एडजस्ट करते हैं सर आप? तो कुछ तो इधर अपने से करते हैं, कुछ दोस्त यार से कभी कम हुआ है जो नौकरी वाले हैं, कुछ घर से थोड़ा बहुत मिल गया, यही स्थिति होती है। मतलब अब ज्यादा दिन तक मतलब इलाहाबाद में मतलब रहने की स्थिति में नहीं है। अब ज्यादा दिन तक इलाहाबाद में रहना मुश्किल हो गया है। राजेश बताते हैं कि हमारे जैसे तो यहाँ हजारों छात्र हैं, मेरी तो शादी हो गई लेकिन उनकी तो शादी भी नहीं हो रही। हमारे जैसे हजारों छात्रों के यहाँ सपने टूट जाएंगे। तमाम तो ऐसे छात्र हैं, हम लोग शादी तो हो गई है लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी, जो क्योंकि जब वो उम्मीदों खड़े नहीं उतरेंगे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। जो है आपका टैलेंट कोई अब नहीं देखता है, आपका ये देखता है कि आपके पास आर्थिक स्रोत क्या है। हम टैलेंट लेकर टहलते रहे, हमने इतना मेंस दिया, इतना इंटरव्यू दिया है, हम एक नंबर से बाहर हुए हैं, कोई नहीं पूछता है। राजेश बताते हैं भाई भी खर्च देते देते थक गए हैं। परिवार में संयुक्त परिवार है, हमारे भाई टीचर हैं तो कुछ अब वो भी जो देते देते उब गए हैं तो थोड़ा बहुत दे देते हैं। अब कुछ यही अपने से खर्च निकाल लेते हैं कोचिंग पढ़ा के जो है, और कुछ दोस्त यार कभी कम हुआ तो जो नौकरी पैसे में उनसे 1500 मांग लिए। राजेश ने 11 फरवरी को पूरी तैयारी के साथ आरओएआरओ का एग्जाम दिया था लेकिन खबर आई कि पेपर लीक हो गया है। एक पल में सारे सपने चकनाचूर हो गए। ये कहानी सिर्फ एक राजेश की नहीं है बल्कि लाखों लड़के लड़कियों की है जो सरकारी अफसर बनने के सपने के साथ 11 फरवरी को आरओएआरओ की परीक्षा देने के लिए बैठे थे। अब ये सिर्फ आरोप है, सरकार की ओर से कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। 23 फरवरी के दिन भी प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर छात्रों ने छात्र पंचायत बुलाई थी। हजारों छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतर आया, सरकार से दोबारा एग्जाम कराने की मांग हुई। ये प्रदर्शन बीते कई दिनों से चल रहा है अलग अलग जगहों पर। इन प्रदर्शनों का असर क्या होगा ये वक्त बताएगा। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।